और इस वक्त बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में घटी अनोखी घटना। सीएम गहलोत ने विधानसभा में पुराना बजट ही पढ़ डाला। सीएम गहलोत ने पुराने बजट के 2 से 3 पैराग्राफ इस दौरान पढ़ डाले। पुराना बजट पढ़ने पर मंत्री महेश जोशी ने उन्हें बीच में टोका। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष ने इसको लेकर जबरदस्त हंगामा किया। प्रावधान रखा गया है। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1,18,00,000 घरों तो आपने ये तस्वीरें देखी। राजस्थान विधानसभा में अनोखी घटना घटी। पुराना बजट पढ़ने लगे गहलोत और उस पर उनको टोका गया, तब उन्होंने गलती का एहसास उन्हें हुआ और उसके बाद शेम शेम के नारे भी लगने लगे। सीएम गहलोत ने पुराने बजट के 2-3 पैराग्राफ तब तक वो पढ़ चुके थे और अब आपको सुनवाते हैं कि राजस्थान विधानसभा में आखिरकार हुआ क्या था। जब गहलोत ने पुराना बजट पढ़ा तो उसके बाद क्या कुछ हुआ, जरा देखिए। में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1,18,00,000 घरों और पुराना बजट पढ़ने को लेकर सीएम गहलोत ने हालांकि अपनी गलती मानी है। मैं गलत बजट पढ़ने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, ये खुद कहा सीएम गहलोत ने। मानवीय भूल की वजह से ये गलती हो गई, ये कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो पुराना बजट पढ़ने को लेकर सीएम गहलोत ने अपनी गलती मान ली है, क्षमा प्रार्थी हैं वो, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। दरअसल आज उस वक्त बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब सीएम अशोक गहलोत बजट पढ़ने के लिए खड़े हुए, लेकिन जो 2-3 पैराग्राफ उन्होंने पढ़ा वो दरअसल पिछले साल के बजट के पैराग्राफ्स थे और इसी को लेकर जो उनके पीछे बैठे मंत्री थे उन्होंने टोका और गलती का एहसास कराया। और उसके बाद अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये मानवीय भूल है और भूल के लिए माफी मांगनी जा रही। आरोप कुछ लगा अलग बात है, सिर्फ बजट की जो कॉपी बढ़ी जाएगी आप सबको वो तो तय हो चुका है, उसके अंदर और इस कॉपी को फर्क हो तब तो आप कह सकते हो। कॉपी वही आपको मिली है जो ये बजट में पढ़ रहा हूं, एक एक्स्ट्रा पेज लग गया गलती से मान लीजिए, और आप कह रहे हो कि किसको मालूम कैसे बड़ा लीक हो गया। ये बजट कोई कल प्रेस में मैंने छपाया गया, इसको आप सब समझदार लोग हैं, मालूम है कि 7-7 दिन तक लोग घर नहीं जाते हैं, रात दिन एक काम करते हैं और उसके बाद में सुबह ला के देते चीफ मिनिस्टर को 6 बजे कॉपी, ठीक है, तो कटासा सब मालूम है आपको। तो मुझे बताइए अगर मैं एक पेज गलत पढ़ने लग गया, वही जो लोग जिन्होंने बजट बनवाया मुझसे और मैंने सुझाव दिए, अगर ऑफिसर गैलरी से मुझे कन्वे करे कि भाई ये आप ये पेज कौन सा आ गया, तो वो भी नेचुरल वो क्या ये क्या हो गया, एक पेज गलती से। वही बजट जो है जो पढ़ा जाएगा वही बजट आप सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें कहां लीक होने की बात आती है। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या कहना है। कोई मुख्यमंत्री
बिना अपने बजट को पढ़े या देखे उस सुबह डॉक्यूमेंट को लेके आता है हाउस के अंदर इतनी कैलेसनेस के साथ, अगर वो अपने बजट को इतनी कैलेसनेस के साथ पेश करते करने के लिए आया है तो आप ये समझ सकते हो कि अपने प्रदेश को किस तरीके से चला रहा है, और अगर इसी ढंग से चला रहा है तो उस प्रदेश का भट्टा तो बैठना ही है।